नमस्कार दोस्तों आज की बढ़िया हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम में आई अप्रेंटशिप नोटिफिकेशन के बारे में तो यहाँ पे आप सब सब पढ़ सकते हैं तो एच में ये आई है तो यहाँ पे लिखा है इन्होंने इंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट अप्रेंटिसप ट्रेनिंग इंजीनियरिंग एज़ पर दी अप्रेंटिस एक्ट जो कि उन्नीस का है तो उसके अकॉर्डिंग ये वैकेंसीज आई है तो कौन कौन से इसमें एलिजिबल है इंजीनियरिंग स्ट्रीम के स्टूडेंट तो यहाँ पे सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट एंड कंप्यूटर साइंस तो आईटी सभी इसमें एलिजिबल हो तो कितनी वैकेंसीज है तो इन्होंने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज नहीं बताया है तो यहाँ पे आप भर सकते हैं इन वैकेंसीज को ये इन पे डिपेंड रहेगा कितने इन्होंने फिलिंग करनी है तो इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा जस्ट इंटरव्यू आपका हैक होगा जो कि दिसंबर एंड में होगा तो नेट्स की वेबसाइट पे आप ऑनलाइन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं वहाँ पे आपको एक बार अपना अकाउंट प्रू, प्रूव कराना होगा तो यहाँ पे देखिए तो नेक्स्ट की वेबसाइट पे जो कि अप्रेंटिसिप की ट्रेनिंग्स आती ही रहती है तो देखिए इक्कीस नवंबर कोई नोटिफिकेशन आई थी तो इक्कीस नवंबर से आप को इस फॉर्म को भर सकते हैं और पाँच दिसंबर लास्ट डेट है इस फॉर्म को भरने की तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम यहाँ पर पे, उसमें ये वैकेंसीज है एच में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे उन्होंने लिखा भी है तो सैलरी काफ़ी अच्छी आपको स्टाइपेंड दिया जा रहा है तो पच्चीस हज़ार आपको स्टाइपेंड दिया जा रहा है वन ईयर ये वैकेंसी जो होती है अप्रेंटशिप की वैकेंसीज होती है जिसमें आपको अच्छा खासा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है जो कि एक साल के लिए एक्सपीरियंस भी मिलता है और आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की अच्छे से यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेजुएट कौन कौन से इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स के लिए ये ये अप्रेंटशिप आई है और साथ ही में यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज लिमिट इन्होंने बताई है अठारह से पच्चीस साल तक और एस सी एस टी के लिए पाँच साल का एज रिलेक्सेशन है तीन साल का ओ बी सी एन एन सी और जो कि फिजिकल हैंडीकैप के लिए दस साल का यहाँ पे एज रेक्सेशन दिया गया है और जो भी यहाँ पे ग्रेजुएट की डिग्री आपकी होनी चाहिए जनरल ओबीसी के लिए साठ परसेंट में होनी चाहिए और फिफ्टी परसेंट में होनी चाहिए ए सी या फिजिकल हैंडी अगर कोई कैंडिडेट है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बाद भी इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है तो हिंदुस्तान के आप होने चाहिए ओनली इंडियन नेशनल आर एलिजिबल और फॉर दिस अप्रेंटशिप बाकी यहाँ पर इन्होंने बोला है जो भी जिसने भी मई 2019 के बाद डिग्री की है ग्रेजुएशन की इन स्ट्रीम्स में तो वही इसके लिए एलिजिबल है अगर किसी ने मई 2019 से पहले ही अपनी डिग्री ग्रेजुएशन पूरी करी है इंजीनियरिंग की तो इसके लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है अगर 2020 में भी किसी ने अपनी यहाँ पे कंप्लीट करी है तो वो भी एलिजिबल है वो भर सकता है तो भी किसी का अगर कंप्लीट हुई है डिग्री टू मई के बाद उसकी वो यहाँ पे भर सकता है इस प्रेनशिप को अदरवाइज बाकी नहीं भर सकते तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं बट फिर भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं नेट्स वेबसाइट पे फ्यूचर में जो भी अप्रेंडशिप आती है तो उसके लिए आप वहाँ पे कर सकते हैं तो इसके लिए कोई भी फीस नहीं है कुछ भी नहीं लगेगा तो यहाँ पर मैं इन्होंने एज क्राइटेरिया एक बार फिर से बताया गया और यहाँ पर सिलेक्शन मैथो मैथोडोलॉजी के बारे में इन्होंने बताया तो मैंने आपको पहले ही बताया कि दिसंबर एंड में इसकी इंटरव्यू होगी तो इन्होंने यहाँ पे साफ साफ बोला गया इंटरव्यू बीच बिल भी टेंटेबली शेड्यूल ऑन दी मंथ ऑफ दिसंबर 2020 और कितनी वैकेंसीज है और किस किस को लेना है तो ये उन पर डिपेंड रहता है तो ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट विल भी ड्रॉन बेसिस ऑन द एकेडमिक रिजल्ट ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री एंड स्कोर इन द इंटरव्यू तो यहाँ पे इनका इंटरव्यू आपका इंटरव्यू हो भी होगा जिसके मार्क्स कम है तो उसके लिए भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है आप सभी को मैं बता दूँ जो भी अपनशिप होती है तो उसकी कट ऑफ तो यहाँ पे एटी फाइव परसेंट या इससे पर भी जाती है बट यहाँ पे साठ से ऊपर जो भी है पचास से ऊपर है तो आपका इंटरव्यू होकर आप अच्छा इंटरव्यू में स्कोर करते हो तो यहाँ पे आपको अप्रेनशिप मिल सकती है तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइनल सिलेक्शन वगैरह इन पे डिपेंड रहता है और बाकी प्रोसेस ऑफ अप्लाई फॉर अप्रेनशिपिपि तो इन्होंने साफ बोला एच पी तो नेट्स की वेबसाइट पर आप लॉग इन कर सकते हो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो तो मिनिमम एक साल की अप्रेनशिप रहती है और मैक्सिमम तीन साल की होती है तो ये आज की वीडियो वीडियो बोल लाइक और शेयर न बोलेगा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करीजिएगा आज भी इतना ही धन्यवाद